वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय हो शनिदेव महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एकदम शांत मन से वीडियो देखना और कमरा बिल्कुल खाली हो तभी देखना, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बनती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि मंगल ग्रह अगले 24 घंटे तक आपकी जिंदगी को हीरे की तरह चमकाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने आपको आना चाहिए, तभी आपको लाभ हो पाएगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदलने वाली है और ये आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमकाने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, आप सभी को पता ही है कि मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो चुका है, यहाँ तक शुक्र ग्रह और शनि ग्रह भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसका सकारात्मक असर सीधा सीधा अब आपके कुंडली पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि मंगल ग्रह का डायरेक्ट कनेक्शन संकट मोचन महाबली जी से है। जी हाँ, इसलिए अब आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद असीम कृपा होगी। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब आपके ऊपर संकट मोचन प्रभु महाबली जी का आशीर्वाद मिलेगा। जी हाँ, जो कि दोस्तों अब आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा, अब आपको बहुत बड़ी बड़ी तरक्की मिलेगी, क्योंकि दोस्तों संकट मोचन प्रभु महाबली जी से सब कोई डरते हैं, यहाँ तक बड़े बड़े देवी देवता भी डरते हैं इनसे। जी हाँ, इसलिए दोस्तों अब आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। जी हाँ, और जो भी नकारात्मक शक्ति पहले से आपके जीवन में है, उन सभी को भगवान संकट मोचन हनुमान जी नष्ट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों मंगल ग्रह का कनेक्शन भगवान संकट मोचन हनुमान जी से है और इससे आपको भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ शुक्र ग्रह का कनेक्शन भगवान इंद्रदेव जी से है। जी हाँ, इसलिए अब आपके ऊपर भगवान इंद्रदेव जी का भी आशीर्वाद, बहुत बड़ा चमत्कार आपके ऊपर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर दो दो तीन तीन बड़े देवता का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत बड़ा चमत्कार होगा। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, अंत तक देखे बिना कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, जय शनिदेव महाराज, जय हो इंद्रदेव जरूर लिखिएगा। इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद एक साथ आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपके जीवन की रुकी हुई गाड़ी पुनः दौड़ने लगेगी। जी हाँ, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, भगवान संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से और भगवान इंद्रदेव जी के आशीर्वाद से आप सभी कार्यों को पूरा करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, खासकर वो कार्य जो कार्य बहुत दिनों से आपका पेंडिंग में था। जी हाँ दोस्तों, या फिर जो कार्य बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आप जितोड़ मेहनत करें, मेहनत का पूरा पूरा फल, पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों आज आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि दूसरों के कहने पर कोई भी काम ना करें और ना ही कहीं पर निवेश करें। जी हाँ, अगर आज आपको कोई उद्देश्य देता है, कोई सलाह देता है, तो आप उन सलाह को मानने से पहले दोबारा सोच विचार जरूर करें, नहीं तो आज आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपको लाभ होगा
लेकिन अगर आप सही समय पर सही से कार्य करते हैं तो, क्योंकि लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं है। अगर आप कहीं पर भी एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाइएगा और लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप ना रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और जो लोग घर से दूर रह रहे कहीं पर भी जॉब करते हैं या फिर नौकरी करते हैं तो उन्हें आज के दिन लाभ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो कहीं पर भी निवेश करने से पहले उसके पॉलिसी को, गाइडलाइंस को अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें तो ही करें, नहीं तो आज के दिन आपके लिए जो है दिक्कत हो सकता है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज बहुत अच्छे मौके आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आपको उनके लिए पूरे तौर पर समर्पित कोशिश करनी होगी, जो कि इस समय आपके लिए कुछ मुश्किल सा लग रहा है। जी हाँ, किसी खास निजी समारोह के लिए इन मौके को रोके रखना आपके लिए सही है। आप साधारणतया बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपके दोस्त आपसे लगाव रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सितारे कहते हैं आज आपको संक्रमणों की जो है काफ़ी आशंका है, इसलिए दोस्तों अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने छोटे मोटे दैनिक प्रयोग की चीज़ें जैसे साबुन, तौलिया अलग ही रखें, यहाँ तक एक ही कंघी का प्रयोग करने से भी संक्रमण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको अपने सेहत के प्रति बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी सेहत और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए विटामिन सप्लीमेंट लेने चाहिए। जी हाँ, संक्रमणों की आशंका से बचने के लिए अपने घर में बहुत अच्छे से साफ सफाई रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा से अपने प्रेम संबंधों में मधुर, कोमल और खुश मिजाज रहे हैं और इसके कारण अतीत में आपका सफर बेहतर रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आज आपको एहसास होगा कि जो आपके प्रेम संबंधों में हो रहा है वो वास्तव में गंभीर है। ये स्थिति काफ़ी भावनात्मक प्रतीक होगी, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये कदम उठाने की वजह से आपका जीवन समृद्ध होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको संतोष तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह इसमें डूब जाओगे। जी हाँ, आज आपको कोई अप्रत्याशित अनुभव हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें परेशान ही होंगे, लेकिन इससे आपके मन में हलचल जरूर मच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके दृष्टिकोण में खास बदलाव भी आ सकता है। जी हाँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो है न घबराएं, लेकिन ये समय अपने स्थान पर दूसरे की भावनात्मक मांगों को जो है प्राथमिकता देने के लिए अधिक उपयुक्त है। जी हाँ, सितारे कहते हैं आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेगी और आपको खासा परेशान करेगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच विचार कर लें, तभी आप उसमें कदम रखें। इस स्थिति में थोड़ी सी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप जो है मानसिक रूप से संतुष्ट होने का जो है ध्यान को बांट पाएंगे। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको अपने संबंध के बारे में स्पष्टता से देखने और कोई सटीक फैसला लेने के लिए अपना बनावटी चश्मा उतार कर देखना होगा। किसी भी संबंध को यह मानकर कि आप तो होना ही था, फिर भी वे केवल सामाजिक दबाव के चलते सहन न करें। यह जांचने की कोशिश करें कि क्या आप इससे खुश हैं। अगर इसका जवाब नहीं है तो आप इस रिश्ते से बाहर जाने का सबसे अच्छा समय है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। जी हाँ, इस समय आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
तो यहां पर आपको शांति दिमाग से बैठकर फैसला लेना होगा, तभी आपको उस पर चलना है। जी हाँ, बिना सोचे समझे अगर जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं तो इस समय आपके लिए गलत साबित हो सकता है। जी हाँ, इतना ध्यान आज आपको जरूर रखना है अपने लिए। उस कार्यक्षेत्र या कैरियर की जो है कल्पना नहीं की थी जिससे आप अभी कार्य कर रहे हैं। जी हाँ, आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण ये समय निर्णय लेने का नहीं है। जी हाँ, इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए समय उपयुक्त नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अचानक बहुत ही बड़ा परिवर्तन होगा जो कि दोस्तों आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे और आपको उसमें सफलता उम्मीद से ज़्यादा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी संवाद कुशलता अब पहले से बेहतर है और आप लोगों के चलते विश्वास के झलक लेकर अपनी बात साझा कर पाएंगे। दिन मुश्किल परियोजना पर काम करने के लिए उपयुक्त है। जो काम बहुत दिन पहले आपको लग रहा था ये काम नहीं होगा, लेकिन उस कामों को आज आप करने की कोशिश करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। क्योंकि दोस्तों, भाग्य ग्रह गोचर पूरी तरह से आपकी अनुकूल है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आपको अपने कार्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से आपकी प्रगति को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी उनकी निगाहें आपके ऊपर बनी हुई हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि तन मन से काम करें, आपकी प्रमोशन आदि हो सकती है। जी हाँ, वे आपके समर्पण भाव और मजबूत नेतृत्व के गुणों से प्रभावित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके थोड़े अधिक प्रयासों से आपके कैरियर को एक नई गति मिल सकती है। जी हाँ, क्योंकि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके इन गुणों को ध्यान में रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मज़ेदार भी नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपनी नीरस जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधियाँ शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकती हैं या कहीं भी बाहर घूमने जाएं। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ समय सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें, ताकि एकाग्रता से काम कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, तभी आपको उसमें लाभ होगा। अगर आप समय पर कोई भी काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ जरूर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप जो चाहते हैं वे सब कुछ हासिल करने की आप में शक्ति है, आप में जुनून है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इस तरफ आप अपना ध्यान ना दें। जी हाँ, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते वक्त भी कहते हैं मीठे हैं ना, लेकिन बाद में उसे नमक लगा कर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, वे लोग इस तरह का दिखावा कर सकते हैं जिससे आपको नीचा दिखना पड़े, पर अंदर से वे लोग जानते हैं कि आप में अपार प्रतिभा है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अपने आत्मविश्वास का आनंद लें, क्योंकि आपका खेल खेलने से पहले ही जीतना तय है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत है आपको अपने कामों पर ही ध्यान देने की। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिल सकते हैं। जल्दबाजी की बजाय गंभीरता से और सावधानी से काम करें, पूरे करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा लोग अपने प्रमोशन संबंधित कागजात कंप्लीट रखें, क्योंकि कोई परेशानी आने पर वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए ही उचित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको लापरवाही करने से बचना होगा। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण लोगों से मेलजोल बढ़ेंगे तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। अगर कोई पेमेंट आदि फंसी हुई थी, कहीं पर पैसा रुका हुआ था, तो आज प्रयास करने पर वसूल हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपकी काम बन सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय आय का कोई रुका हुआ साधन पुनः शुरू हो सकता है। आप बुद्धिमान व होशियारी से सभी काम बेहतरीन तरीके से पूरे कर पाएंगे, जिसमें आपको लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग भी व्यर्थ की बातों पर ध्यान हटाकर अपने अध्ययन के प्रति जागरूक रहेंगे। रिश्तेदारों से चल रहे किसी पुराने मतभेद का निपटारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे अपने भावुकता पर और उदारता की अधिकता पर विजय हासिल कर लें, क्योंकि इन आदतों की वजह से आप अपनी नुकसान कर बैठेंगे। जी हाँ, नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी सट्टे में, म्यूचुअल फंड में, कहीं पर भी आप धन निवेश करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में दोबारा सोच विचार कर लें, आपके लिए बेहतर होंगे। नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। व्यवसायिक क्षेत्र में नई पार्टियों के साथ व्यवहार करते समय सावधान रहें, इस समय बहुत मेहनत की जरूरत है। जी हाँ, राजनीतिक तथा महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनेंगे। वहीं दोस्तों, अनुचित कार्यों से दूर रहने का प्रयास करें, ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार रहेगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है और इसका असर आपके करियर पर भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करें और जितना हो सके खुश रहने का प्रयास करें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे और इससे मन भी आपका शांत रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आपके नए कामों की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप नए कामों की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आप अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय लेकर ही करें तो आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में फैसला लेना हमारे लिए सही नहीं होता है, इसलिए अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट, कोई जानकार इंसान है तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आप अंदर से डरे हुए हैं, ये जान लें कि आप इन मुद्दों से घबराने की बजाय जरूरत नहीं है, इन वर्तमान समस्याओं के कई कारण हैं और इनके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, आप नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी बातें जल्द ही सुलझ जाएंगी। अपने आप को राहत देने के लिए किसी मनोरंजक कार्यकलाप की योजना पर जाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, यह समय एक सख्त शार्क कार्यक्रम जो है शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। आपको यह भी समझना है कि जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए, पूरा मजा लेने के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप अपने सेहत के लिए जागरूक हैं, लेकिन अब आप अपने ट्रेनिंग के प्रति और अधिक समर्पित हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आप अपने डाइट पैटर्न में भी बदलाव करेंगे, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, आपकी वित्तीय स्थिति में लगातार वृद्धि हो रही है और आगे भी इसमें सुधार की संभावना है, परंतु आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके नियंत्रण से परे स्थितियां आपकी उत्पादकता और काम करने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, लेकिन आपका डर निराधार है। यहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारी इस चीज को समझते हैं और आपके हालातों के साथ हमदर्दी भी रखते हैं और आपके काम में समर्थन भी करेंगे। सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे, हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देखने को मिल रही है, इसलिए भाग्य आपका बहुत ही अच्छी तरह से साथ निभा रही है। आपको इस शुभ अवसरों में, शुभ समय में अपने जो है मेहनत ज़्यादा करना चाहिए, इनका लाभ उठाना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, आप एक दृढ़ इससे निशान वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई भी काम शुरू कर दें तो उसे पूरे मेहनत से पूरा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप औरों के कहने पर नहीं चलती हैं,
नहीं जाती हैं, आप वो करने की क्षमता रखती हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप उनसे आगे हैं, हर जगह आप उनसे बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना यह नज़रिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी आसानी से पहुंच सकती हैं जो दूसरे कभी सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके काम करने की क्षमता गजब की है। जी हाँ, और यही आपकी लगन और मेहनत आपको सफलता दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अपना जो है जुनून जज्बा बनाए रखें, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों सितारे कहते हैं कि आज पेट में खराब होने की काफ़ी आशंका बन रही है, इसलिए आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है, आपको संक्रमण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज करें, आपको मुहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं कि आज हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा और सब की समझ विशिष्टता से प्रभावित होंगे, खूब प्रशंसा आज आपको मिलेगी। इस बेहतरीन समय का प्रयोग नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने जुलने में करें तो इससे आपके सामने नए अवसर खुलेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज का दिन आपके लिए काफ़ी हद तक उत्तम रहने वाला है, काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, कुछ मुश्किल कार्य जो कि अपने समय पर छोड़ दिए थे उन्हें पूरा करने के भी उचित समय है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए काम अपनी उम्मीद से ज़्यादा पूरे कर पाएंगे और सारा काम का बोझ जो है खत्म हो सकता है। आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा जो आस पड़ोस के सहकर्मी को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य आपका बहुत अच्छा तरह से साथ दे रहा है, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको दूसरों की बातों में लगने से अभी बचना होगा। जी हाँ, क्योंकि लोग जलन की भावना से आपको गलत सलाह दे सकता है, अगर आप उनके कहने पर चलेंगे तो आपको श्योर ही नुकसान होगा। जी हाँ, इसलिए आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने आप को सुननी है। दोस्तों, अगर इन जानकारियों से आप सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की जानकारियां आपको समय समय से मिलती रहेगी, इन्हें जानकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जैसा बताए हैं वैसे ही करिएगा, आपको ज़रूर लाभ होगा, ज़रूर लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, दोस्त इसके उपरांत कशमकश में ना रहें, बदलाव होना बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ, आपको किसी ऐसे आदमी से बात करके अप्रत्याशित सहायता मिल सकती है जो चुपचाप आपकी भलाई चाहता रहा है। देखिए दोस्तों, आप अपने संबंध को लेकर जरूरत से ज़्यादा गंभीर रहे हैं और बहुत सोचते हैं, खुद को थोड़ा सा हल्का करें, अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। एक बार जब आप सब चीज़ों को और बातों को दोहरे अर्थ ढूंढने में खुद को रोकना सीख पाएंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका संबंध बहुत मजबूत है। देखिए दोस्तों, सितारे कहते हैं आप में अद्भुत समर्पण की भावना आ गई है, आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी है और आप ऐसा बहुत अच्छे से करेंगे। जी हाँ, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने के प्रयासों में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, आपका सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप इसका हर एक पल का आनंद लेंगे और आपको मजा आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको डटकर प्रयासों में लगे रहना है तब तक जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। जी हाँ, लोग आपको गलत
बात सुनाएंगे, गलत रास्ते दिखाएंगे। अगर आप अपने रास्तों से भटक गए तो फिर आप अपने मंजिल को कभी नहीं पा पाएंगे जिसकी आप सपना देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो सपना अब आपका पूरा होने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको प्रयास निरंतर करते रहना है। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफ़ी हस्तक्षेप कर सकता है और जो है गंभीर गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। आपको अपने और अपने पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना होगा। जी हाँ, दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करना चाहिए, उनका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। आज का दिन सट्टा उद्यमों के लिए सबसे उपयुक्त समय है। जी हाँ, आप एक लॉटरी टिकट या कंपनियों या शेयर निवेश करने से धन वृद्धि का एक उच्च मौका है। आपको किसी एक से अच्छा सुझाव मिल सकता है और अगर आप उसे समय पर पूरा करते हैं तो आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहेगा। जी हाँ, और आप हर एक पल का आनंद लेंगे और आप मज़े से आपका दिन व्यतीत होगा, क्योंकि ग्रह गोचर अभी बहुत ही अनुकूल है, आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन आज आप बोलने में सावधानी रखें, सोच समझ कर ही बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों बात बात में आकर आप अपने दिल की बात बता देते हैं जो कि आगे चलकर आप ही को परेशानी होती है। आप जिसे अपना करीबी समझते हैं वो आपकी गुप्त बातों को उजागर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपको धीरे धीरे धोखा दे रही है, वही आपको बर्बाद कर रही है। इसलिए दोस्तों, बोलने से पहले दोबारा सोच लें, अपनी बात का विषय अपने और सामने वाले तक ही सीमित रखें। जी हाँ, किसी तीसरे के बारे में बात करने से आज आप बचें, नहीं तो दिक्कत होगा। किसी दूसरे शहर की यात्रा और उनके दौरान किसी पुराने दोस्त से मुलाकात की संभावना पुराने पलों को याद करेंगी। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज आपके पूरा दिन खुशी और अच्छे स्वास्थ्य और सामान्य बिल्कुल अच्छे मूड में रहने की भावना भरा रहेगा। आज आपका दृष्टिकोण किसी महत्वपूर्ण चीज़ की ओर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके फैसले का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति औरों के लिए ईर्ष्या का कारण बन सकती है। वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगी, आज आपके साथी के बीच कुछ तथ्यों पर जो है असहमति हो सकती है। ये मुद्दे बहुत ही मामूली या महत्वपूर्ण हो सकती हैं, पर कुछ समय से ये आपके रिश्तों में आपको बहुत परेशान कर सकती है। ये आपके संचार और आपसी वार्तालाप की कमी के कारण हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा धैर्य की आवश्यकता होगी। अगर आप इस रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगी, आपके करियर और धनराशि फल के लिए जो समय होंगी, आज का दिन अपने व्यवसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर आप कुछ इस तरह की काफ़ी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभाव ढंग से सिर संबंधों तक समक्ष रखे पाने में समर्थ रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है। इसलिए दोस्तों इस मौके का आनंद उठाएं और इसका लाभ उठाएं तो ये आपके लिए बेहतर होंगे।